हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो, एक नई टिक लेकर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने YouTube चैनल का इंट्रो क्रिएट कर सकते हो। अब होता क्या है इंट्रो एग्जैक्टली? आपने देखा होगा कई सारे YouTube चैनल्स पे जब आप जाते हो, विजिट करते हो, वहां पे क्लिक करते हो किसी भी वीडियो पे, तो वीडियो आने के शुरुआत में होता क्या है कि तकरीबन 15 से 20 सेकंड्स का एक इंट्रो आता है जिसमें उनके चैनल की डिटेलिंग आती है, उनका नाम चैनल का लिख के आता है, थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में, थोड़ा अच्छा सा म्यूजिक लगा होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो YouTube वीडियो है या YouTube चैनल है वो इस चीज से रिलेट करता है। तो हम भी आज यही सीखेंगे, हमने अपना चैनल बनाया है, थंबनेल बनाना सीख लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक इंट्रो क्रिएट कर सकते हो, और बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। ज्यादातर मेरी जो ट्रिक्स होती है वो आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपने डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या कहा, डेस्कटॉप हर एक के पास है नहीं, मोबाइल फोन तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान कैरी करता है। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे से अच्छे चैनल के लिए। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं ले चलता हूँ आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको भी क्रिएट करना है अपने YouTube वीडियो का इंट्रो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक टूल का। टूल आप करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या, आपको करना है अपने प्ले स्टोर को ओपन। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है लेजेंड। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मेरे सर्च हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है, आपको सेम टू सेम यही मैटर टाइप करके इसको टाइप करके यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ये आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रहा इसका आइकन, देख लीजिए एक बार। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है। आप जब डाउनलोड अब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, मेरे में ओपन आ रहा है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.1 की है स्टार रेटिंग, और 1 मिलियन से भी ज्यादा बार इसको डाउनलोड किया गया है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंट्रो मेकर अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट इसके इतना अच्छा आपको वहां पर इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अच्छी चीज ये बिल्कुल फ्री वर्जन है ये, इस पे आपको कुछ भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा और आप सारे के सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो मैं ओपन बटन पे हिट करूंगा। ओपन बटन पे हिट करने के बाद मेरा कुछ ऐसा हो गया। देन कि आप जब पहली बार डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके जब आप इसको ओपन करेंगे, आपसे परमिशन मांगेगा स्टोरेज को, उसको अलाउ 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 कर दीजिएगा। लास्ट में आपको लेट्स गो आएगा, वहां पर जाकर आप चले जाइएगा, यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ तक पहुंचने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये रहा इंटरफेस आपके इंट्रो मेकर का। ऊपर पे दिखाई दे रहा है ट्रेंडिंग है, आगे है न्यू, बगल में स्पेशल, फिर सजेशन है, और लास्ट में एनिमेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे वहां पर काम करते हैं। आपको करना क्या है इनके लिए, आपको जो भी चाहिए होगा, देखिए ट्रेंडिंग पे जो YouTube अभी यहाँ पर इंट्रोज चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके चले जाएंगे, इनमें से कोई भी आप चाहे तो इन्हीं में से कोई भी टेम्पलेट आप यूज करके आप वहां पर अपना नाम डाल के आप उसे इंट्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो नया अभी अपलोड किए गए उनको देखना है तो इंट्रो पे, इस पे न्यू पे क्लिक करिए। ये नए वाले हैं जो अभी अपलोड किए गए हैं हाल ही में, वो वाले रहे यहाँ पर। इसके बाद आप चले जाइए, यहाँ पर दिखा हुआ है ये है, और लास्ट में आपका लिखा हुआ एनिमेटेड। हम क्या करेंगे, हम एनिमेटेड का ही एक टेम्पलेट यूज करते हुए अपना यूट्यूब का इंट्रो बनाएंगे। सब में आपको ये एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक है जिसपे एरो का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। आपको पहले क्या करना है, आपको जो भी डिजाइन चाहिए होगा उस डिजाइन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको। जैसे आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर आप उस पर करेंगे अपनी एडिटिंग। छोटी मोटी एडिटिंग है, बस आपको अपना नाम डाल देना है, अपने चैनल का और कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है इसको। आप जो भी डाउनलोड करना चाहें बस सिंपली आपको उस पर हिट करना है, हिट करने से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट एनिमेशन। यहाँ पर आपके चैनल का नाम लिख के आएगा यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन की जगह पे। अब वो करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये एडिट बटन दिखाई दे रहा है, आपको एडिट बटन पे इसी पे कर देना है क्लिक। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, एनिमेशन लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले तो ये चूज कर लीजिए कौन सा फॉन्ट आप करेंगे यूज, तो यहाँ पे फॉन्ट पे चले जाइए। फॉन्ट के जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको जो भी फॉन्ट पसंद आ रहा हो, जिस तरीके से आप चाहो, आप वो फॉन्ट यहाँ से ले लीजिए। मैंने सेट किया, अब मेरा जो फॉन्ट है वो बदल गया, यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाई देना शुरू हो गया है। अब जो भी आपका मैटर है, यानी जो भी टेक्स्ट है आपका, आपके यूट्यूब चैनल का, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहीं पे कर देना है क्लिक, और ये टेक्स्ट को आपको हटा देना है। हटाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने चैनल का नाम आपको लिख देना है। तो मेरे चैनल का नाम है ए एस, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा ए, और एक टाइप करने के बाद मुझे टाइप करना है यहाँ से एस।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइप करूंगा सिंपली मैं ए, और उसके बाद मैं टाइप कर देता हूँ एस। तो मैं टाइप कर देता हूँ ए, यहां पर जाएंगे और यहां पर हम जाकर टाइप करेंगे ए एस, कैपिटल में रखेंगे, स्पेस जी आर ओ यू पी, ए एस ग्रुप। यहां पर ये मेरा बनकर रेडी हो गया है। आगे नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं बैक स्पेस पे क्लिक करके इसको हटा दूंगा। हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें वापस जाना है। वापस जाने के लिए हम यहाँ से बैक बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम बैक बटन दबाकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये आपका इंट्रो बनकर रेडी हो गया, आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। आपको इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चेंजेस करने हैं, बैकग्राउंड में कुछ और चाहिए तो वो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी चाहिए होगा, कोई इमेज लगानी है, कुछ ऐसा कुछ चेंज करना है, वो आप यहाँ से जाके आप चीजें बदल सकते हो। क्लिक करते जाएंगे और वो चीजें अप्लाई होती चली जाएंगी। सिंपली बनकर मेरा रेडी हो गया, इसी को मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 540 पिट पे करेंगे, 720 पिट पे करेंगे या 1080 पिट पे करेंगे। तीनों ही अवेलेबल हैं, कोई भी यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है आपको, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद ये पूरा का पूरा आपका इंट्रो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोज पे। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आई एम श्योर समझ में आ भी गई होगी आपको, और ये बहुत ही यूजफुल है। मैं खुद यूज करता हूँ अपने YouTube चैनल के इंट्रोज बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का। और अच्छी चीज ये है, ज्यादा भड़काऊ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके हिसाब से मिल जाएंगे। आपको सिंपल डिजाइन मिलेंगे, सिंपल टेम्पलेट्स मिलेंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, टेक्निकल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी चाहिए होगा वो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मेरा ये जो अभी प्रोजेक्ट है, ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, 43% अराउंड हो गया है। ये जैसे ही पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट होने के बाद हम उसको देख पाएंगे और फिर जाके वो आपका सेव गैलरी पे सेव हो जाएगा, और गैलरी पे जो सेव मैटर होगा बाद में, आप जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, जैसे मैं काइन मास्टर यूज करता हूँ, तो आप काइन मास्टर पे जाके जहां पर भी आप इंट्रो पोर्शन यूज करते हो, वहां पे आपके इसके द्वारा जो बनाया गया, ये लेजेंड इंट्रो मेकर के द्वारा बनाया हुआ जो भी इंट्रो है, आप उसको यूज कर सकते हो और आप उसका एंजॉयमेंट ले सकते हो। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और होने देते हैं इस इंट्रो को एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट होने के बाद हम देखते हैं इसका प्रयोग लगेगा कैसा, कैसा लगेगा ये देखने में। तो तकरीबन तकरीबन हो ही गया है हमारा, 88-89%, 90%, 91 एंड 93। चूंकि अभी क्या है, ये हाई रेजोल्यूशन पे मैंने सेव किया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर मैं 540 पिट पे करूंगा तो इतना टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा इंट्रो एक्सपोर्ट हो गया है, एड आएगा चूंकि मैंने फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, मैंने आपसे बताया था वैसे पेमेंट नहीं लगते लेकिन एड्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये आपका रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप इस इंट्रो मेकर को कहाँ पे करेंगे यूज। जैसे मान लीजिए मैं इसको काइन मास्टर पे ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो ये गैलरी में आपके सेव हो गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फिर भी आपको काइन मास्टर पे ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं काइन मास्टर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर मेरे सामने काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। और फिर अगर आप थोड़ी बहुत और एडिटिंग करना चाहते हो अपने इच्छा अनुसार, तो वो यहाँ से कर सकते हो। अब मैं इसको अभी प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, ये कैसा लगेगा आपको प्ले करने के बाद। यहाँ से मैं जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ प्ले। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है इंट्रो यहाँ पर, ये रहा इंट्रो। आप अगर चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई फोटो वगैरह भी यूज कर सकते हैं, तो वहीं से वहां पे ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि हमें बैकग्राउंड प्लेन ही रखना है, अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा भी चाहो। और ये तकरीबन 19 सेकंड्स का वीडियो था, आप इसका मोशन फास्ट स्लो कैसा भी कर सकते हो, तो काइन मास्टर से भी कर सकते हो। तो हम सोच चीजें समझ में आगे होंगे। अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको ये मेरा गैलरी में भी यहाँ पर सेव हो गया होगा जाकर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये हमारी गैलरी पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ गैलरी पे अपने क्लिक, गैलरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या कहीं पे हमारा इंट्रो मेकर सेव हो गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यही काइन मास्टर पे ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इंट्रो मेकर आपका जो था वो सेव हो चुका है, और यहाँ पर ये प्ले होके दिखाई दे रहा है। तो आई एम श्योर सिंपल से ट्रिक है, आपको समझ आ गई हो कैसे आप क्रिएट करोगे अपना इंट्रो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए से लाइक करिए, और ऐसे ही यूट्यूब के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर हिट करो जरूर करिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।